नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जेडी स्पोर्ट्स पे। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब के साथ साथ इस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको हमारे लेटेस्ट खबरें पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के जो पहला मैच है FC गोवा के साथ 1 अक्टूबर को, उसके बारे में। तो दोस्तों, 1 अक्टूबर में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड हारेंगे या जीतेंगे ये तो हम 100% गारंटी देके तो नहीं बोल सकते, लेकिन हम अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं। तो दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का अगर बात किया जाए पहले मैच का, तो दोस्तों हमें फिर से जाना होगा 2016 का जो FC गोवा के साथ मैच का, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का उस मैच पे। तो दोस्तों, जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने शानदार तरीके से 2 गोल से जीत हासिल कर ली थी गुवाहाटी पे इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम पे। तो दोस्तों, वहाँ पे एमिलियन अल्फारो ने अपना पहला 2 गोल मार के खाता खोला था अपना। तो दोस्तों, जब मैच हुआ गोवा पे तो वो मैच नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने हार गए थे 2-1 गोल से। फिर भी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने 1 गोल मारा था सच्चासैन सिंह ने। तो दोस्तों, फिर हम आते हैं 2017 और 18 के मैच पे। तो दोस्तों, जब पहला मैच हुआ था नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का 2017 में FC गोवा के साथ, वो मैच नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने शानदार तरीके से गुवाहाटी में जीत ली थी। इस पे पहला गोल डाला था मार्सिनियो ने, उसके बाद फिर से गोवा के इक्वलाइजर आया, आराना ने डाला वो इक्वलाइजर। उसके बाद फिर से नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की तरफ से ही लैंग डोंगल ने गोल लगाकर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को जीत दिला दी। तो दोस्तों, फिर यूनाइटेड गोवा पे खेलने गए तो वहाँ पे भी नॉर्थ यूनाइटेड नहीं आ रहे, वहाँ पे भी 2-2 के ड्रॉ खेला नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। वहाँ पे पहला गोल मारा था मंदार राव दिखाई, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट ने इक्वल, और उसके बाद फिर से कोरोमिनस ने गोवा को बढ़त दिला दी, और उसके बाद सब्स्टिट्यूट के दौरान मुस्केरा जाके मैच को ड्रॉ में ही समाप्त कर दिया। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कि इस बार का नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड चैंपियंस बन पाएंगे या नहीं, कॉमेंट पे जरूर बताना दोस्तों। थैंक यू।